brilliant ball from Banega. Is this the opener? Yes, it is! दोस्तों बात जब फुटबॉल की होती है तो हमें जो नाम सबसे पहले याद आता है वो है रोनाल्डो और मेसी का। फुटबॉल की दुनिया में दोनों में से कौन सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। इसके साथ ही दोनों सिर्फ शानदार प्लेयर ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी भी, और दोनों ही अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के चलते एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। वैसे अगर आप उनके फैन हैं तो आप जानते ही होंगे कि दोनों ही प्लेयर्स फुटबॉल के साथ साथ कार लवर्स भी हैं। रोनाल्डो और मेसी दोनों के पास एक से एक लग्जरी कार का बेहतरीन कलेक्शन भी मौजूद है। तो चलिए आज आपको उनके इसी लग्जरी शौक से रूबरू करवाते हैं और बताते हैं कि कैसी है मेसी और रोनाल्डो की लग्जरी लाइफस्टाइल। दोस्तों सबसे पहले हम आपको इन दोनों खिलाड़ियों के लग्जरी हाउस के बारे में बताएंगे। तो पहले बात करते हैं मेसी के घर के बारे में। तो ये तो हम जानते हैं कि मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं और वो अपनी पूरी लाइफ बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते रहे हैं, मगर हाल ही में उनका इस क्लब के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। बता दें कि मेसी बाकी खिलाड़ियों के मुकाबले थोड़ी साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। कई सालों से बार्सिलोना क्लब के साथ जुड़े रहने की वजह से मेसी ने स्पेन में ही अपना घर और बिजनेस बनाया हुआ है। बार्सिलोना के कैसल डेफिल्स में मेसी का घर बहुत ही सुंदर है, यहाँ तक कि ये एरिया पूरे तरीके से नो फ्लाइंग जोन में भी शामिल है। इनके इस घर में एक छोटी सी फुटबॉल पिच, स्विमिंग पूल, इंडोर जिम और बच्चों के लिए प्लेग्राउंड में मौजूद है। इस घर के सामने ही बैलेरिक सी का नजारा भी देख सकते हैं आप। इस स्पेशल सी व्यू वाले घर की कीमत लगभग 55 करोड़ रुपए है। ये तो बात हुई मेसी के घर की, अब आपको बताते हैं रोनाल्डो के घर के बारे में। रोनाल्डो के पास वैसे तो बहुत से घर हैं, पर वो अपने जिन घरों की वजह से अक्सर सुर्खियों में रहते हैं वो पुर्तगाल और स्पेन की राजधानी मैड्रिड में बना हुआ है। रोनाल्डो का मैड्रिड वाला घर तकरीबन 8600 फुट के एरिया में बना हुआ है। इस आलिशान घर में रोनाल्डो अपनी गर्लफ्रेंड कम पार्टनर और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। रोनाल्डो के इस मैंशन में फुटबॉल पिच, स्विमिंग पूल से लेकर हर तरह की सुख सुविधा मौजूद है। इसके अलावा उनका पुर्तगाल वाला अपार्टमेंट भी किसी महल से कम नहीं है। ये अपार्टमेंट 3100 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि अपार्टमेंट पुर्तगाल का सबसे महंगा अपार्टमेंट है, जिसे खरीदने के लिए और भी अरबपति लगे हुए थे, लेकिन आखिर में रोनाल्डो ने इसे हासिल कर लिया। रोनाल्डो के इस अपार्टमेंट की कीमत लगभग 60 करोड़ रुपए, जिसमें सब कुछ मौजूद है। दोस्तों किसी आम इंसान के लिए इतना पैसा अफोर्ड करना वाकई में एक चैलेंज है, लेकिन अगर आप अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करें और सेविंग्स करते रहें तो एक ना एक दिन आप भी अपनी सेविंग्स के दम पर अपनी बहुत सी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं। और इसी तरह की बचत करने में आपकी मदद कर सकती है इंडिया की लार्जेस्ट कैशबैक ऐप कैश करो, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रोडक्ट्स अपने लोएस्ट प्राइस पर। साथ ही इसमें आप अमेजोन, आजियो, मिंत्रा और ऐसी ही 1500+ वेबसाइट्स पर सेल्स के ऑलरेडी डिस्काउंट से भी ऊपर एक्स्ट्रा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। ये कैशबैक 100% रियल है दोस्तों, जिससे आप अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन शॉपिंग गिफ्ट वाउचर्स खरीद सकते हैं। इसे यूज करना बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके Mystica25 कोड यूज करें। इससे आपको इंस्टेंट 25 रुपीज साइन अप बोनस भी मिलेगा। फिर जो भी स्टोर से शॉपिंग करनी है वो सर्च करो, ऑरेंज बटन पर क्लिक करो, फिर कैश करो, ऐप डायरेक्टली उसी वेबसाइट पर लगेगा। शॉपिंग के बाद सारा कैशबैक ऐप के माय अर्निंग सेक्शन में ट्रैक हो जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, साइन अप करके फर्स्ट ट्रांजेक्शन करने वाले 5 लकी विनर्स को कैश करो की तरफ से 500 रुपए का अमेजन गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो देर किस बात की, अभी कैश करो ऐप डाउनलोड कीजिए। चलिए अब आपको वापस लेकर चलते हैं रोनाल्डो और मेसी की लग्जरी लाइफ के सफर पर। प्राइवेट जेट, अब हम आपको बताते हैं इन खिलाड़ियों की लग्जरी लाइफस्टाइल में कौन कौन से प्राइवेट जेट शामिल हैं। अगर हम मेसी की बात करें तो उनके पास जो प्राइवेट जेट है उसकी कीमत लगभग 1 अरब से भी ज्यादा बताई जाती है। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्राइवेट जेट के पीछे 10 नंबर भी लिखवाया हुआ है, जो कि उनका जर्सी नंबर भी है, और साथ ही इस जेट पर उनकी पत्नी और बच्चों का नाम भी लिखा हुआ है। इस लग्जरी प्राइवेट जेट में कई स्पेशल फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें आलिशान बेडरूम, बाथरूम और साथ ही 15 से 16 लोगों के बैठने की सुविधा भी है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि इस जेट में ऐसी भी कुछ कुर्सियां हैं जिन्हें फोल्ड करके उनका बेड भी बनाया जा सकता है। हालांकि मेसी ने जेट खरीदा नहीं है बल्कि लीज पर लिया हुआ है। अब हम आपको बताते हैं रोनाल्डो के प्राइवेट जेट के बारे में।
पुर्तगाल के इस खिलाड़ी के पास गल्फ स्ट्रीम G650 जेट है, जिसकी कीमत करीब 280 करोड़ रुपए। इस जेट को उन्होंने अपने पसंद के अनुसार मॉडिफाई कराया है। क्रिस्टियानो इस जेट का ज्यादातर इस्तेमाल अपने परिवार के साथ सफर करने के लिए करते हैं। कार कलेक्शन, ये तो हमने आपको बताया है कि हमारी इस लिस्ट में शामिल दोनों ही खिलाड़ी मेसी और रोनाल्डो कार लवर हैं। आपको दोनों के पास एक से बढ़कर एक कार देखने को मिल जाएंगी। दोनों ही खिलाड़ी कार के मामले में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये खिलाड़ी अपने शोरूम में किस तरह की कारों को जगह देते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेसी के कार कलेक्शन के बारे में। ऑडी लंबे समय से बार्सिलोना को स्पॉन्सर करते आई है। ऐसे में मेसी के पास ऑडी के RS6, Q7 और A7 मॉडल हैं। इसके अलावा उनके पास ऑडी R8 और V10 स्पाइडर भी है। अब ऑडी के बाद नंबर आता है स्पोर्ट्स कार का। इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पगानी का, जो कि बाकी स्पोर्ट्स कार को अपने लुक और परफॉर्मेंस के दम पर हमेशा पीछे छोड़ देती हैं। मेसी के पास इस कार का ट्राई कलर वर्जन है, जो कि इस कार की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। इसके साथ उनके गैराज में एक और नायाब हीरा है, वो है मो सीरीज की SLS AMG। मेसी ने एक बार नीलामी में भी एक कार खरीदा था जिसकी कीमत ही $36 मिलियन थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस कार को नीलामी में खरीदने के लिए जो दूसरे नंबर के प्लेयर थे वो कोई और नहीं बल्कि रोनाल्डो ही थे, और वो कार थी फरारी की 335S स्पाइडर स्कैग्लिएटी। इसके अलावा उनके कार कलेक्शन में फरारी F430 स्पाइडर, मैजराटी ग्रैंड टूरिज्मो MC स्ट्रैडेल, लैंड रोवर रेंज रोवर स्पोर्ट, कैडिलैक एस्केलेट, रेंज रोवर वॉग जैसी कई कारें शामिल हैं। ये तो हुई मेसी की कार कलेक्शन की बात। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर रोनाल्डो के गैराज में कौन कौन सी गाड़ियां शामिल हैं। दोस्तों, रोनाल्डो भी किसी से कम नहीं है, उन्हें भी कार्स का बहुत शौक है। वो अपने कार कलेक्शन में मेसी को पूरी टक्कर देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रोनाल्डो ने कुछ समय पहले ही दुनिया की सबसे महंगी कार बुगाटी ला वोयेजर खरीदी थी, जिसकी कीमत ही 75 करोड़ रुपए से ज्यादा है। रोनाल्डो को फुटबॉल के बाद हाई स्पीड लग्जरी कारों का बेहद शौक है। उनके पास एक दो नहीं बल्कि 20 से अधिक हाई स्पीड लग्जरी गाड़ियां हैं, जिनमें लगभग 21 करोड़ की लैम्बोर्गिनी LP 704 है, जो उन्होंने 2012 में अपने बोदरे पर खरीदी थी। इसके बाद 2016 में फीफा वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच जीतने के बाद उन्होंने 12 करोड़ की बुगाटी वेरॉन को अपने कलेक्शन में शामिल किया था। फिर 68 लाख की BMW, लगभग 1 करोड़ की बेंटले कॉन्टिनेंटल GTC, 37 लाख की मर्सिडीज बेंज सी क्लास, 46 लाख की पोर्शे, फरारी, ऑडी, मैसराटी और न जाने कितनी ही और गाड़ियों को अपने कलेक्शन में शामिल किया है। इसके अलावा भी इन दोनों प्लेयर्स की लाइफस्टाइल में कुछ ऐसी बहुत सी चीजें शामिल हैं जो इन्हें लग्जरी बनाती है। रोनाल्डो के पास गोल्ड आईफोन, हीरे से सजी घड़ी, तो दोनों ने ही होटल में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो इन्हें और लग्जरी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोनाल्डो और मेसी की लग्जरी लाइफस्टाइल। आपको इनमें से किसकी लाइफस्टाइल ज्यादा लग्जरी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में कैश करो की लिंक है, डाउनलोड करना ना भूलें और हर ऑनलाइन शॉपिंग पर अपने पैसे भी बचाएं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।